Sujiura, Sujiura, grant me a true response. यार ये वाला कुत्ता देखो पीछे क्यों देख रहा है, ये भी पीछे क्यों देख रहा है, ये सारे कुत्ते उस तरफ क्यों जा रहे हैं, I don't know guys. पर अचानक एक रूम का लाइट ऑन हो गया और मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाली. गाइस अभी बज रहा है रात के 12:16 और अभी इस वक्त मैं मेरे छत पे हूँ यार. आई डोंट नो आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि पूरा पीछे अंधेरा अंधेरा है, एक भी जगह का लाइट नहीं ऑन है. और आज हमें जो चैलेंज करना है वो आउटडोर लोकेशन पे जाके करना है, आउटडोर जाके चैलेंज करना है रात के 3 के बाद. यार ऐसे कैसे कैसे चैलेंजेस देते हो मुझे, बट फिर भी आपने बोला है तो मैं ज़रूर 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 ये चैलेंज करूँगी. और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही हॉरर चैलेंज करती रहूँ तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना यार. टारगेट रखते हैं 50,000 लाइक्स की. अगर आप 50,000 लाइक्स करोगे तो मैं समझूंगी कि आपको और ज़्यादा हॉरर वीडियोस देखना है. और मैं अभी इतना डर क्यों गई पता है आपको, अभी आसमान में चांद इतना ज़्यादा डरावना लग रहा है मैं क्या ही बताऊँ. और रात के 12:15 मेरे सामने अभी रंजना लाइट लेके खड़ी है, ठीक है, एक छोटा सा लाइट लेके, और कोई भी नहीं है. मुझे पीछे घूमने में भी डर लग रहा है यार. ओके चलो नहीं डरेंगे, अभी जल्दी जल्दी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ये क्या चैलेंज है और कैसे करना है. तो इस चैलेंज का नाम है सुजीउरा चैलेंज. ये एक एक्चुअल में जापानीज हॉरर चैलेंज है. सुजीउरा ये नेम जापानीज है. तो इसको वर्ल्ड वाइड द फॉर्चून गेम के नाम से भी बुलाया जाता है, सुजीउरा द फॉर्चून गेम. यार ये हॉरर चैलेंज करते करते ना मेरा लाइफ भी बिल्कुल हॉरर मूवी जैसा बनता जा रहा है. पर मैं तो चाहती हूँ मेरी लाइफ बिल्कुल रोमांटिक मूवी जैसा बने. आज तो मुझे शूट करने चौराहे पे जाना पड़ेगा, बट आप सबको तो पता है ना कि मुझे ट्रैवल करना कितना पसंद है और मेरा कितना मन करता है स्विट्जरलैंड जाने का. ऑल्सो मैं बहुत बड़ी बॉलीवुड फैन भी हूँ यार. मैं तो हमेशा ड्रीम देखती हूँ स्नो कवर्ड माउंटेन्स में डांस करने का, बिल्कुल करण जौहर की हीरोइंस की तरह. मन तो करता है जल्दी से बैग पैक करके स्विट्जरलैंड चली जाऊँ टू मेक माई ड्रीम्स बिकम अ रियलिटी. ये सब ना मूवीज में होता है, रियल लाइफ में नहीं. हाँ भाई पता है मुझे ये सब मूवीज में होता है, बट मैं भी अपनी स्टोरी की हीरोइन हूँ. एंड हु नोज मुझे मेरा बॉलीवुड प्रिंस चार्मिंग भी मिल जाए. इतना हंसने का जरूरत नहीं है. ओके विद स्टोरी स्पार्क गेम एवरीथिंग इज पॉसिबल. अब स्टोरी स्पार्क क्या है? ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग प्लेस है, एक ऐसा गेम वेयर आई कैन एक्सपीरियंस ऑल माय फैंटेसीज एंड जहां मैं उनको बदल सकूं रियलिटी में. ये कोई आम गेम नहीं है, इट्स लाइक रीडिंग अ बुक. इस गेम में आई बिकम एन एक्टिव पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड यहाँ मैं सारे कैरेक्टर्स के साथ एंगेज कर सकती हूँ जैसे मैं चाहूँ. ये ऐसा है कि इस गेम की स्टोरी मेरी डिसीजंस पे डिपेंड करता है, जस्ट लाइक रियल लाइफ, बट इट एक्चुअली फील्स लाइक अ मूवी जहाँ मैं मेन कैरेक्टर हूँ. ऑल्सो विद दिस प्रीमियम आर्ट क्वालिटी एंड एंगेजिंग नैरेटिव्स, दिस प्रॉमिसेस एन अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस फॉर बोथ द हार्ट एंड आईज. इट्स लाइक एवरीथिंग कम्स टू लाइफ फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू एवरी लिटिल डिटेल. सब कुछ बहुत रियल लगता है. इनका कॉन्टेंट भी काफी अच्छा है एंड ये रेगुलर अपडेट्स भी करते रहते हैं. एंड कैरेक्टर मूवमेंट्स एंड एक्सप्रेशंस तो और भी बढ़िया है, जस्ट लाइक माई स्माइल. एंड हियर्स द रियल मैजिक, एज आई सेड, योर डिसीजंस शेप योर एडवेंचर. मतलब कि हर किसी के लिए ये गेम अलग है, जस्ट लाइक आवर चॉइसेस. So guys, it's not a game, it's your story. जहाँ आपको situations दी जाती हैं to make decisions and shape your destiny accordingly. It's like हम किसी और world में enter कर जाते हैं when we play this. So आप भी अपनी wild fantasies को पूरा कीजिए with this game, even of getting a fictional prince charming. Trust me when I say this, the reality I live there is far better. I wish मैं वही रह लेती हमेशा के लिए. So guys, try Story Spark today. Download now through the link in description. तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये गेम खेलने के लिए आपको कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सबसे पहले आपको चाहिए एक कंघी, ठीक है, तो मैंने ले लिया है एक कंघी. आपको एक कपड़ा चाहिए या कुछ भी ले सकते हो आप, जिससे आपको आप अपने मुंह को ऐसे छुपा पाओ, मुंह को ऐसे ढक पाओ, ऐसा कुछ चाहिए. और आपको जाना पड़ेगा एक क्रॉस रोड में, मतलब एक चौराहे पे जहाँ पे चार रास्ते ना इकट्ठे होते हैं, ऐसे क्रॉस रोड्स बोला जाता है उसको. चौराहे पे आपको जाना पड़ेगा. जब आप क्रॉस रोड पे पहुंचते हो तब वहाँ पे जाके आपको ये रिचुअल करना पड़ेगा. तो इसके लिए सबसे पहले आपको कंघी लेना पड़ेगा. यार अभी रात के 12 मैं मेरे छत पे ये बोल रही हूँ ना, मुझे ये बोलते हुए डर लग रहा है. तो आपको कंघी को ऐसे बजाना है एक बार, देखो, और ये बजा के बोलना है सुजीउरा सुजीउरा grant me a true response.
कैसा कैसा आवाज आ रहा है यार। तो ऐसा ही बोलना है ठीक है इसको लेके, और ये 3 बार आपको बोलना पड़ेगा। 3 यार, यहाँ पे छिपकली कहाँ से आ गई? छिपकली का आवाज आया मुझे रात के 12:30 बजे। ओके ओके, तो ये 3 बार सूजी उरा बोलने के बाद आपको वहां पे पेशेंटली वेट करना है। बोलते हुए डर लग रहा है यार मुझे छत पे, आई स्वेयर। तो वेट करते करते अगर उस चौराहे पे आपको कोई भी अननोन इंसान दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो शायद कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ओह गॉड यार, मुझे भी रंजना को देख के डर लग रहा है, सच्ची बोल रही हूँ। आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो शायद कोई स्पिरिट है जो आपका फॉर्चून बोल सकता है, जो आपके फॉर्चून के बारे में बता सकता है। अगर आपको ये चैलेंज करने के बाद भी कोई नहीं दिखता रास्ते पे, कोई भी अननोन इंसान नहीं दिखता, तो फिर आप समझ लेना कि आपका गेम ख़त्म हो चुका है और आप ये गेम आप कंप्लीट नहीं कर पाए हो। और अगर आप कोई नोन पर्सन के कुछ गिरा यार, सच्ची कहाँ से पता नहीं कहाँ से कुछ गिरा, बहुत ज़्यादा फट रहा है मेरा। और अगर कोई, मैं जो बोल रही थी, अगर कोई आपको नोन इंसान दिखता है जिसको आप जानते हो पहले से, तो भी आप ये समझ लेना कि आप ये चैलेंज हार गए हो। बट अगर आपको कोई अननोन इंसान दिखता है तो आपको तुरंत अपने मुंह को ऐसे छुपा लेना है किसी कपड़े से या कुछ भी आप लेके जाओ जिससे आप फेस को ऐसे कवर कर सकते हो पूरी तरह से, और ऐसे फेस को छुपा लेना है। और वो अगर फेस को अनकवर करने के बाद भी वो इंसान अगर वहाँ पर रहे तो आप उससे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो अपने फॉर्चून के बारे में, और हो सकता है कि वो आपके फॉर्चून के बारे में कोई भी क्वेश्चन का मच्छर का आवाज़ में भी डर लगा यार, वो आपके कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे देगा। वो आपको कुछ गुड न्यूज़ भी दे सकता है, जैसे आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने वाले हो, आपकी लाइफ में कोई आपका लव ऑफ द लाइफ आने वाला है, या फिर आपको वो बैड न्यूज़ भी दे सकता है जैसे कि आप मरने वाले हो या आपका डेथ होने वाला है। तो ये वाला चैलेंज यार हमें करने जाना पड़ेगा कहीं पे। तो ये सोच के मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि रात के 3:30 बजे मुझे घर से निकलना पड़ेगा और कहीं पे जाना पड़ेगा। तो मैं रंजना को लेके जाने वाली हूँ गाइस। चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। अभी 12:30 बज रहा है, मुझे अभी भी बहुत टाइम वेट कर। बिल्लियाँ रो रही है भाई, चलो प्लीज चलो अभी छत से चलो। गाइस मैं चौराहे पे मतलब क्रॉस रोड पे आ चुकी हूँ, और पता नहीं यहाँ पे आते ही मुझे एक कुत्ते की रोने की आवाज़ आ रही है। पता नहीं, मतलब ऐसा लग रहा है कोई डॉग यहाँ पे रो रहा है, आई स्वेयर। और आप देखो यहाँ पे एक रास्ता है, ये बिल्कुल सुनसान है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे जो रोड है ना, ये भी बिल्कुल सुनसान है। इधर और एक रोड जा रहा है, ये भी बिल्कुल सुनसान है। और आप देखो यहाँ पे जो रोड है ना, ये सुनसान तो है, छोड़ ही दो, ये जाता है रिवर तक। मतलब हम लोग रिवर साइड की जो चौराहा होता है, क्रॉस रोड होता है, वहीं पे आए हैं। तो बाकी सारे जगहों से ना यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब यहाँ पे आने से ही मुझे ज़्यादा ठंडा लग रहा है। ओह गॉड यार, इतना ज़्यादा यहाँ का वाइब ही नेगेटिव सा लग रहा है ना। आपको आई थिंक सुनाई दे रहा है कि कुत्ते भौंक रहे हैं अजीब तरीके से। और तो और गाइस, बोला जाता है कि जो भी नेगेटिव जगह पे आप जाते हो वहाँ पे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर थोड़ा कम होता है, और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव सा लग रहा है। इस वेयर इतना ज़्यादा टेम्परेचर कम है ना, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बट फिर भी हम जल्दी जल्दी ये चैलेंज करेंगे, क्योंकि मेरी तो यार बहुत ज़्यादा फट रही है। तो यार मैं यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ कुंभ, एंड मेरे मुंह को ढकने के लिए ये वाला कपड़ा भी मैं लेके आ चुकी हूँ, क्योंकि अगर मुझे कोई भी यहाँ पे दिखाई दे तो मैं ऐसे मुंह को ढक दूँगी यार। ऐसे अजीब अजीब आवाज़ क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। और वहाँ पे देखो यार, वो जो कुत्ते हैं ना छोटे छोटे, वो भी अभी अजीब लग रहे, क्यूट नहीं लग रहे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, और मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ यार। 3:33 AM हो रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे बहुत देर से ऐसा लग रहा है कि मुझे पीछे से कोई देख रहा है यार, आई डोंट नो, पर पीछे कोई भी नहीं है। चलो करते हैं।
सोजियोरा सोजियोरा ग्रैंड मी अ ट्रू रिस्पॉन्स। यार देखो इधर देखो इधर देखो, अभी ये दो कुत्ते नहीं थे यहाँ पे यार, अभी खांसी चल के आ गए पता नहीं। सोजियोरा सोजियोरा ग्रैंड मी अ ट्रू रिस्पॉन्स। यार अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। गाइज आई डोंट नो, आई होप कि आप सुन पा रहे हो कि कुत्ते बहुत जोर जोर से भौंक रहे हैं यार, आई स्वेयर ऐसे भौंक रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई रो रहा है। मैंने तो थर्ड टाइम सोजियोरा बोला भी नहीं है, चलो फाइनल बोल देते हैं यार फिर से। ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, मैं कैसे बोलूँ? ठीक है बोल देते गाइस बोल देते हैं। सोजियोरा सोजियोरा ग्रैंड मी अ ट्रू रिस्पॉन्स। यार ये वाला कुत्ता देखो पीछे क्यों देख रहा है, ये भी पीछे क्यों देख रहा है, ये सारे कुत्ते उस तरफ क्यों जा रहे हैं? आई डोंट नो गाइस, मुझे तो कोई भी दिख नहीं रहा है, कहीं पे भी कोई नहीं दिख रहा है, ये तो कुत्ता मेरे सामने ही खड़ा हुआ है। पता ये भी उस तरफ चला गया भाई साहब, पता नहीं उस तरफ कुछ है क्या, उस तरफ कुछ है क्या? यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा उस तरफ क्या है यार, आई स्वेयर यार मुझे तो किसी भी तरफ कोई भी नहीं दिख रहा गाइस। गाइस जब मैं ये चैलेंज कर रही थी ना तब इस घर का सारा लाइट्स ऑफ था, पर अचानक एक रूम का लाइट ऑन हो गया और जब मैंने अंदर देखने की कोशिश की मुझे कोई भी नहीं दिखा। मुझे कंटिन्यूअसली ऐसा लग रहा है कि मुझे पीछे से कोई देख रहा है, आई स्वेयर मतलब। ओ माय गॉड गाइस, बोला जाता है बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चौराहे पे ना बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी होता है, और आप देखो एकदम चार रस्ते के बीचों बीच किसी ने नींबू और मिर्ची गिरा के रखा है। मैंने पैर तो नहीं दिया ना इस पे, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने इस पे पैर लगाया था या नहीं, मुझे बिल्कुल भी एकदम भी समझ में नहीं आया गाइस। मैंने नोटिस भी नहीं किया था, अभी अभी नोटिस किया, और मुझे लगता है कि हमारे लिए ये चैलेंज ख़त्म हो चुका है। मैं अभी घर जाने वाली हूँ और मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं करने वाली। ओह माय गॉड, मुझे ये चैलेंज करना ही नहीं गाइस। गाइस मुझे नहीं पता वहाँ पे जो आदमी था वो क्या था, मतलब नॉर्मल कोई इंसान था जो कि बाहर आया था रात के 3:30 के बाद, मतलब इतनी रात को कौन बाहर रहता है? मुझे आई स्वेयर मुझे बिल्कुल नहीं पता कि वो आदमी कौन था, आई हैव नो आइडिया, बट आई थिंक कि मुझे ऐसे मुंह ढकना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया। शिट यार मैंने नहीं किया, ये मुझे करना चाहिए था। आज के समय जितना ही रखते हैं, मैं और कुछ भी नहीं बता जाती, मैं अभी घर जाने वाली हूँ यार, प्लीज़ चलो।